हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में जो है हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे जुलाई और अगस्त मंथ का फुल। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है एक चुनाव एक राष्ट्र के जो है समिति के लिए। और इस क्लास में जो हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लास हो चुके हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान किन राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए थे? तो ये 2019 के आम चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो है चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में G20 की स्वास्थ्य कार्यशाला का जो आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। और इस कार्यशाला का जो उद्घाटन किया है ये किया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी ने। G20 की स्थापना जो 1999 में हुई थी। किस राज्य के चौकुआ चावल या मैजिक राइस को जो है भौगोलिक सांकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो असम। असम का जो है चौकुआ चावल मैजिक राइस है जिसको जीआई टैग दिया गया है अगस्त 2023 में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया? श्रीलंका के। श्रीलंका महासंघ पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? जनवरी 2023 में। किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और राममन सुलाई शहद को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई को जो है जीआई टैग दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारी के उत्थान के लिए समझौता किया है? तो NSKFDC के साथ। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? जया वर्मा सिन्हा ने। और इस पद पर नियुक्ति होने वाली है जो है क्रम की महिलाएं, तो प्रथम प्रथम भारतीय महिला हैं और जिन्होंने जो है रेलवे के CEO का पद जो है ग्रहण किया है। गैबोन में तख्ता पलट के पश्चात किसे अंतरिम नेता घोषित किया गया है? जनरल ब्राइस ओलिगुई नेगुमा को। और इसकी राजधानी जो है लेब्रीविले है। इसकी मुद्रा CFA फ्रैंक है। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को और यह दिवस जो है व्याकरणविद पाणिनि की जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संस्कृत को जो है दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया था उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में जो है जलावतरण समारोह की अध्यक्षता जो है वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने की है। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट्स का शुभारंभ किया है? एक्सिस बैंक ने। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया? कोयम्बूटर में। इनका अनावरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। 65वें रेमंड मैक्सिस पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई है? रेमंड मैक्सिस अवार्ड्स फाउंडेशन के द्वारा। और इस वर्ष यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को, जिसमें भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है शामिल हैं। समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए इनको रेमन मैक्सिस पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है।
और इसको जो है एशिया के नोबल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना साल 1957 में की गई थी और इसका प्रथम वितरण जो है 1958 में हुआ था। सबसे पहले जो है यह पुरस्कार विनोबा भावे को जो है प्राप्त हुआ था 1958 में, 1958। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कितनी महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है? चार, जिसमें ये चार महिलाएं हैं, पीटी उषा, एस फांगनो कोनियाक्स, डॉक्टर सोफिया खान और सुलाता देव। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत 2,000 रुपये जो है मासिक भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। किस जगह त्रिपुरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के द्वारा किया गया है। एस फोंगनो कोनियाक्स किस राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला है? नागालैंड से। कौन मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में जो है मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित किया था अशोक गहलोत सरकार में। जुलाई 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है चाचिन चराई महोत्सव हाल ही में मनाया गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 बाघ सांपों का जन्म हुआ है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, अफ्रीका के साथ भारत की ऐतिहासिक यात्रा एक साथ मिलकर आगे बढ़ना नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया? ये किया गया 18 जुलाई 2023 को नेल्सन मेडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। और इस प्रदर्शनी का आयोजन जो है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय संग्रहालय और दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के द्वारा किया गया था। कौन सा प्राधिकरण चुनाव के दौरान प्रदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के एक डिजिटली टाइम वाउच जारी करेगा? भारतीय चुनाव आयोग। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना का जो प्रारंभ किया गया? ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना क्विज 20 का जो है दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य ने खड़क नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी प्रदान किया? ओडिशा ने। नीति आयोग द्वारा भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इस परिसर को क्या नाम दिया गया? भारत मंडपम। भारतीय सेना ने सेना में पहला आधार केंद्र कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। किसने? राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है मेरा गांव मेरी धरोहर नाम की जो है पहल लॉन्च की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृत मंत्रालय की। इस पहल का उद्देश्य है भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? कारगिल जिले में। और इस महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? SD सिंह जामवाल, पुलिस महानिदेशक ने। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 5वें चक्र का अंतिम रिपोर्ट कब जारी की गई? 29 जुलाई 2023 को। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53। रिपोर्ट्स में कितने टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया? 51 का। इस रिपोर्ट्स में टाइगर रिजर्व को कितनी श्रेणी में उत्कृष्ट रैंकिंग प्रदान की गई है? 4 श्रेणियों में। ये 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं? 12। बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत 21, अच्छी श्रेणी के अंतर्गत 13 और संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत 5 टाइगर रिजर्व जो सम्मिलित किए गए हैं। और इस रेटिंग में शीर्ष टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्माइन केंद्र कहाँ बनेगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन।
स्टडीज में। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डिजाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दासावाटिया ओडिशा में। और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? सीकर, राजस्थान में। इस रैंकिंग में अंतिम नेक्स्ट है, ये जो रैंकिंग है ये चीता टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटिव है, तो इसमें डंपा मिजोरम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 24 जुलाई 2023 को किस अधिनियम के तहत महादेव वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और ये जो है महादेव वन्यजीव अभयारण्य गोवा गोवा प्रांत में स्थित है, किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। भारत ने किस राज्य के खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी करने पर चीन का कड़ा विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? नवीन पटनायक, ओडिशा के। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर कितने रुपए का जुर्माना हाल ही में लगाया था? 30 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू हुई 25 जुलाई 2023 से। यह योजना मध्य प्रदेश से रिलेटिव है और इस योजना के तहत प्रतिमाह सरकार जो है 1000 रुपये मासिक भत्ता देती है। इंडिगो एयरलाइंस पर यह जुर्माना जो है किसने क्यों लगाया गया था? तो जहाज के पिछले हिस्से का जमीन से टकराने की घटना के कारण। कितने रुपए का लगाया था? 30 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है? गैर बासमती चावल के जो है निर्यात पर। हाल ही में भारत में प्रायोगिक आधार पर हिट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा। किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के लिए मसौदा शिक्षा दिशा निर्देश पारित किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने। समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। सेफ सिटी परियोजना में कितने शहरों में CCTV कैमरों में डाटा एकत्रित करना शामिल है? 18। टोटल जो है 17 नगर निगम प्लस 1 गौतम बुद्ध नगर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसलिंग एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BCEIPL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो पंजाब राज्य ने। उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल एक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करेगी? कानपुर जेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनकी जो है एग्जाम में आने की संभावना है। गुजरात सरकार ने लंदन स्थित किस कंपनी के साथ सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वन वेब के साथ। और यह समझौता जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया था। भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ स्थापित किया गया? मेहसाणा गुजरात में। अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 35 गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है? लद्दाख के गांव को। 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां किया गया था? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। इसका शुभारंभ अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा किस बजट भाषण में की गई थी? तो बजट भाषण 2022-23 में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? फसलों को जानवरों से बचाना।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु। आथुर पान के पत्तों को भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में त्रिसेवा नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहाँ की है? नई दिल्ली में। एक पूर्ण महिला मीटर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहरामपुर, उड़ीसा। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए हुए थे? श्रीलंका के राष्ट्रपति। किस संस्था ने कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों की मृत्यु पर प्रारंभिक विश्लेषण किया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने। किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन JJM डिजिटल अकादमी की स्थापना की है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है असम सरकार ने। यह प्रतिबंध जो है किन बोतलों पर लागू होगा? पॉलीइथाइलिन टैफ्लेथेट PET से निर्मित बोतलों पर, टेरेफ्थलेट। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसने प्रदान किया गया? नूर शेखावत को। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने ITI संस्थान में परिवर्तन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितने दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा? 10 दिवसीय। नेक्स्ट है, असम सरकार ने लचित बरफुकन पर लघु फिल्म स्ट्रीम करने के लिए किसके साथ समझौता किया? जियो सिनेमा के साथ। किस प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। कहां से? बिजनौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जो है 873.57 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ओडिशा राज्य ने। इसको जो है हम इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट मान के चलेंगे, जो डाटा वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने 75 खुले में शौच मुक्त ODF प्लस सर्वोत्तम प्रथाओं का सार संग्रह जारी किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल मंत्री ने। उत्तर प्रदेश सरकार बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है? गोंडा जनपद में। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया है? गुजरात सरकार ने। भारत में अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। और इस उद्घाटन किसने किया इसका? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। भारत NCAP कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। किस कार्यक्रम की? NCAP कार्यक्रम की। NCAP जो है एक नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित होगा।
दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस हवाई अड्डे की लागत जो है 50 करोड़ रुपये है। यह हवाई अड्डा कब तक निर्मित किया जाना है? तो फरवरी 2024 तक। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNDP के साथ। अभी हाल ही में भगवान पुरुषोत्तम जो है श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्या रैंकिंग थी इसकी? 16.2%। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको किस नाम से जाना जाता है? मीजो विद्रोह 1966 के नाम से। वर्ष 1966 में किस आंदोलन को कुचला गया था? अलगाववादी आंदोलन, मीजो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का कार्यान्वयन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। इस योजना में किस आयु वर्ग से संबंधित है? 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग से। नौकरियां हैं नहीं है और ये लोग छुआ डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, भाई अपना अपना हिल्ला देखो। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल ठोस, इसमें जो है किस राज्य ने उच्च न्यायालय की में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया? उत्तराखंड राज्य जो है उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय SC ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? गुमला झारखंड में। इसका उद्घाटन श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा MSME राज्य मंत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वा पौधा किसके द्वारा लगाया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह पौधा CRPF ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? समुद्र ऐप। नेक्स्ट है, भारत को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में दिखाने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विवाह पर्यटन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया है? कुशवेंद्र बोहरा, अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग ने। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने। किस राज्य ने जो है राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील पहल का अनावरण किया है? राजस्थान ने। हाल ही में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 114वीं जयंती। नेक्स्ट है, किस स्टेशन से चिकनगुनिया और डेंगू पर नियंत्रण के लिए एक विशेष ट्रेन को रवाना किया गया? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से।
भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब कुछ लोग जो हैं बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड को भी मार के आ सकते हैं, और ये ऑप्शन में भी मिलेगा आपको, तो विशेष ध्यान देना है। अगर भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना पूछी जाती है पेपर में, तो आपको जो है महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्र आंसर जो है आंसर अपना राइट लगाना है। विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पेरूर तमिलनाडु में। डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी हवाई अड्डा। हाल ही में खबरों में रहा आथा चायमम समारोह किस राज्य से संबंधित है? केरल से। आथा चामामयम समारोह का संबंध 10 दिवसीय उत्सव से है, ओणम। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक वैश्विक औषधि सम्मेलन कहाँ जो संपन्न हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य तो इम्पोर्टेंट है, गोवा। किस राज्य ने जो है आबुआ योजना योजना की घोषणा की है? तो आबुआ योजना जो है ये झारखंड राज्य ने शुरू की है। हाल ही में भगत ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ये ब्रिज 115 फीट जो है लंबा है। नेक्स्ट है, 17A फ्रिगेट की छठे पोत का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? कोलकाता में। इस पोत का नाम क्या है? बिंदगिरी। नेक्स्ट है, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। युवा 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश वाराणसी में। विश्व के सबसे ऊंचे लिकारुस मिगला फुकचेक मोटर मार्ग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी लद्दाख में। और इस मार्ग का जो है निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। किसके द्वारा ठाणे में 13.38 किलोमीटर लंबे तटीय सड़क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो MCZM के द्वारा। उमलिंगला दर्रा मोटर मार्ग की ऊंचाई कितनी है? 19,024 फीट। भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2023 में। कमेंट बॉक्स में आप बताइए जो है हाल ही में भारत के 2024 में गणतंत्र दिवस पर जो है कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML का जो है नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटीज का नाम चेंज कर दिया गया है। जून 2023 में इसका नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कितने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की योजना की घोषणा की है? 15,000। नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है जम्फू क्रिश्चियन कॉलेज कोहिमा में। भारतीय संसद द्वारा जीवन यापन और व्यापार में आसानी से उद्देश्य से जो है कौन सा विधेयक पारित किया गया है? जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023। किस शहर में प्रधानमंत्री ने पिपरी चंचवड नगर निगम यानी कि PCMC के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? पुणे महाराष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? पश्चिमी ट्रैकोपैन ट्रैगोपैन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल प्रारंभ की है? जम्मू एवं कश्मीर ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किस राज्य किस जाति समुदाय के उप वर्गीकरण की जांच हेतु गठित रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी? अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 नए जिलों को बनाए जाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकोलैंड कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है, सुस्वागतम पोर्टल की। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? राजस्थान ने। एशिया की सर्वाधिक ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। यह प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था? सालद्दाख। यह प्रदर्शनी कितनी ऊंचाई पर आयोजित की गई थी? 3600 मीटर पे। तो जो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जुलाई अगस्त का जो करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे कवर किए हैं, और इसकी जो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन उसमें जो है वॉइस प्रॉब्लम काफ़ी थी, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे जो है अपलोड कर किया जा रहा है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।